केडियट सुना कोई नहीं ताजा। अच्छा उनके तो पहले तीन लोनिए थी। अल्लाह का शुक्र तो बेटा हो गया वरना लेन लगाए चले जाए थे बेटे के चक्कर में। और ये नहीं सोचते कि बेटियां ज्यादा अच्छी होती हैं बेटों से। बेटे भी होते हैं फिर। अब लोग कहेंगे कि बेटों को बुरा कह रही हूँ, बेटों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन बेटी ज्यादा हमदर्द होती है माँ बाप की। और अच्छा पथरी हो गई है। अभी आएंगे तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी। सोच रही हूँ सेब ले जाऊं और केला। लेकिन अम्मी सेब तो 100 रुपए किलो हैंगे, अच्छे वाले तो उससे भी ऊपर हैंगे। हाँ आधा किलो सेब ले जाऊंगी और 1 दर्जन केला। नहीं अम्मी कालू हुजूर की कोई बात नहीं है, खाला हुजूर है ना आफत, वो पहले मेरा हाथ ही देखेंगी क्या कुछ लाई हो कि नहीं। बीमार को देखने आई होगी तो। हाँ वरना मैं खाली हाथ चले जाती, एक जूस का डिब्बा ले जाती। लेकिन वो फिर पैसे लिखे रहते हैं ना जूस के डिब्बे पे, 1 लीटर वाले पे या जो भी ले जाऊं, इसलिए मैं वो नहीं ले जाऊंगी। हाँ ऐसी तो है। अच्छा तो कब हैगी शादी? देखो अम्मी मोहल्ले की बात तो सही है, तुम कह रही हो मोहल्ले की बात है किस किस को बुलाए, लेकिन तुम मेरा कह देना कि मेरा कार्ड अलग से भेजे। मेरी सास को तुम जानती हो, वैसे ही मुझे कहीं नहीं भेजना चाहती हैंगी। और अगर कार्ड नहीं आता है तो उनको मौका मिल जाता है, क्या रे जब कार्ड नहीं है सही से बुलावा नहीं है तो हम लोग नहीं जाते हैं ऐसे बेइज्जती के बुलावों में। इसलिए तुम कह देना कि मेरा सही से दे और सास ससुर के नाम से दे विद फैमिली। हाँ ससुर का नाम नहीं होगा तब भी नहीं भेजेंगी ना, यही तो करती रहती है मेरे साथ। और कोई नहीं ताजा? हाँ बहुत सारी तो दे दी तुमने, लेकिन मैं सोची थी कोई चीज भूल ना जाओ, फिर बाद में तुम कहती हो आ मैं तुझे नहीं बताया, और फिर कहती हो अरे मुझे तो लगा मैंने तुझे बता दिया, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं। अरे क्या बुझी बुझी अम्मी, देखो तुम्हें पता है वैलेंटाइन डे था तो बंदे ने दिल्ली की काम ले लिया, दिल्ली का बयाना ले लिया कि मुझे दिल्ली जाना हैगा। हाँ दिल्ली को गए रहेंगे। अरे अम्मी तुमने पता नहीं क्या देखा, और अगर मियाँ को देखती हूँ ना मुझे हैरत होती है कि कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं ये, इतना सही तो फैक्ट्री में बन सकता आदमी, बिल्कुल परफेक्ट। बीवियों को घुमा रहे फिरा रहे खिला रहे पिला रहे, गिफ्ट अलग देते हैंगे, शॉपिंग के पैसे अलग देते हैंगे। यहाँ तो मैं कोई बात कहती हूँ तो अजीब सा मुंह बना लेते, कोई बात बताती हूँ कहेंगे, और आगे बंदा एक लफ्ज जो बोल दे अम्मी कोई भी बात, मैं दुनिया भर की उस आदमी को बताती रहती हूँ कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैं उतना बोलेगा मेरे दिल को भी अम्मी थोड़ा करार आ जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए कि मेरे मियाँ ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं इनको दुनिया भर की बातें बताती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपने मियाँ के कान तक मतलब मियाँ को ना बताऊं। तो फिर कहते हैंगे अपनी माँ के सामने बैठ के फलानी बात ऐसे हुई थी तुमने तो मुझे नहीं बताया। फिर मैं कहती हूँ उस टाइम पे मैंने तुम्हें एक एक बात बताई थी तो मेरी बात ध्यान से सुनते ही नहीं है। अगर मेरी बात ध्यान से सुने तो इन्हें दुनिया भर की खबरें रे, ये तो समझते हैं मेरी बीवी पागल है ऐसी बोल रही है। अब मैं बनती हूँ झूठी अपनी सास के सामने, फिर उनकी आदत तो तुम जानती हो, बैठ बैठ के अपनी बेटियों से अपनी बहनों से नई बुराई करती हैंगी, उनमें कीड़े डालती हैं। हमारी बहू तो ऐसी हमारी बहू तो वैसी। अब कोई पूछे अल्लाह की बंदी अपने बेटे से तो देख लो कि बीवी पे ध्यान दे रही है बीवी की बात पे कि नहीं, ये नहीं होगा। सारी कमियां सारे कीड़े मेरे अंदर ही है। चलो उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ उस टाइम, मेरा दिल मेरा जो दिल मेरे मियाँ से दुखा हुआ वो तुम पूरी बात सुनो। तो अगर तुम चुन के लाई थी ये लड़का मेरे लिए। हाँ हाँ तुम यही कह रही थी अम्मी, फिर मुझसे कहने लगे कि वो इस टाइम पे काम बहुत हैगा। बताया था अभी मकर संक्रांति गुजरी हैगी, फिर 26 जनवरी तो वो जो पतंगे आउट ऑफ स्टॉक चली गई है। अब मुझे नई नई पतंगों के डिजाइन दिख रहे हैं तो वो दिल्ली में दिख रहे हैं अच्छे, तो मैं वहां पे लेने जा रही हूँ। अब कोई और होता तो कहता अच्छा देखो बरस का बरस दिन है वैलेंटाइन डे, मैं मना के चला जाऊंगा, एक दिन में क्या हो जाएगा।
यही तो हैगा। अब पैसे के ही तुम जानती हो मैं मेरे बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन जब ये मुझसे कह रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा, मुझे तो नहीं है लेकिन पैसे की दुनिया हैगी, तो मैंने भेज दिया। मैंने कहा अच्छा भाई जाओ। स्टेटस वो बबली से थोड़े गुलाब के फूल मंगाए, गुलगस्ता बनाया और उसको भी लगा दिया फोटो। हाँ, और एक डिब्बा मी चेन का, एक डिब्बा मी चेन का रखा था, उसको भी बॉल लगा के रख दिया कि ये भी, वो खोल के नहीं दिखाया कि इसमें क्या हैगा। मैंने कहा जल जल के सोच सोच के मर जाओ क्या हैगा अंदर, उसमें खाली था मी। हाँ, लेकिन किसी को क्या पता चल लिया, तो मैंने उसको सब सेट करके सारे फोटो खींच खींच के सब स्टेटस पे लगा दिए। मैंने कहा जलती हो। फिर मैं उनका आया, मुझे ये नहीं बिलाटन पीछे आजाद, हाँ बड़ी वाली, आय हाय तुम्हारे मिया तो बड़े प्यारे हेंगे तुम पे, तुम क्या पढ़ के फूकती होगी हमें भी बता दो, और ये सब कहने लगी। मैंने कहा अरे ये सब ऐसा कुछ नहीं है, वैलेंटाइन डे है तो लिया ही, मैं तो मना कर रही थी, उन्हें थोड़ी पता ही नहीं था मैंने तैयारी ये करनी है। झूठे स्टेटस के खातिर अम्मी सब करना पड़ता हैगा। आता ना 5 रुपए का कपकेक, वो बबली से मंगाया, और 10 रुपए वाला सिरप मंगाया चॉकलेट का, उससे पूरा सजा दिया, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम रखी थी लाए थे पहले, तो मैंने उसमें से सिर्फ वो निकाली हरी और लाल वाली, उससे लिख दिया वी बनाया, हाँ के वैलेंटाइन डे का है ये केक, और एक मोमबत्ती लगा दी। करना तो क्रिएटिव तो मैं भूत होंगी, भूत हाँ ये भी तारीफ करते हैंगे, दिमाग अपना सही सही चीजें कहते हैं, ये बनाओ सही चीजें क्या होती हैंगी, कहते हैं इतना दिमाग तुम अच्छी चीजों में लगाओ तो तुम्हारी गिनती वो होने लगे, वाह वाह हो और सब लोग तुम्हें कितना प्यार करें। अब सही चीजें क्या हैंगी अम्मी मुझे नहीं पता, मैं तो अल्लाह की नेक बंदी हूँ, ना गीबत करूँ ना ना किसी की गीबत सुनूं, बैठ बैठ के गासिप करूँ, तो और क्या अच्छी बातें ही बताना चाहते हैंगे, इनके दिमाग में यही होगा। जैसे अम्मी मैं कहीं जाऊंगी किसी घर, तो मुझे कोनी मारेंगे, जाओ उनकी किचन में मदद कर दो, जो भी जिसके घर भी नहीं जाऊंगी, जाओ जाओ यहाँ मत बैठो, आदमी सोचेगा कि तुम हराम डील हो, तुम काम नहीं करती हो, और ऐसा है वैसा है अंधा भैसा है, तुम जाओ उनके साथ काम कराओ किचन में, मैं चली आती हूँ, नेक सीधी हूँ ना मैं, इतनी अकल ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी के घर आई हूँ तो मैं भी ऐसे बैठ के खाऊं, इतनी तो अकल है ही नहीं मुझ में। मैं जाती हूँ उनके साथ भी मदद करवाती थी जिनके घर में जाती थी, हमारे घर कोई आता था तो कहते थे उससे कोई काम मत लेना, हाँ जैसे कोई मेहमान आ गया भाभी लाओ सलाद बना दे, लाओ गिलास धो दे ना, फिर ये कहते थे मुझे आंखें दिखाते थे काम मत करवाना इससे वरना तुम्हारी जाके बुराई करेगी अपने घर के, भाभी के हम तो गए थे तो ये काम भाभी ने कराया। हाँ तो मैं कहती थी कि तुम भी दूसरे घर मुझसे क्यों कहते होगे, कि तुम तो हमारी अपनी हो और हम तुम्हारा भला नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, फुसला लेते थे मुझे, मैं सीधी फंस जाती थी इनकी बातों में। कोई अच्छी चीज देखेंगे फौरन कहेंगे मेरी बहन को दे दो, ओए मैं क्यों दे दूं भाई, मेरी अम्मी लेके आई है, मेरा कोई रिश्तेदार लेके आए, कहते अरे तुम्हारी इससे इज्जत बनेगी, आदमी सोचेगा तुम कितने अच्छे गिफ्ट देती हो सामने वाले को,
फिर आदमी तुम्हारा भी स्टैंडर्ड बन जाएगा, तुम्हें भी अच्छी चीज देगा। मैं एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाली कि इनकी बातों में आऊंगी मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। हाँ फिर सोचेंगी इनकी बहने ने हमारे भाई ने दिया होगा, हमारी भाभी का दिल तो बहुत छोटा है, हमारे भाई ने दिया होगा या किया होगा बीवी से कि दे दो। मैं सुनी इनकी एक भी। हाँ फोन आया था कि चल लिया हूंगा 12 बजे तक पहुंचूंगा। मैंने कहा तुम 12 बजे आओ कि 1 बजे आओ कि कल सुबह आओ, मुझे क्या मतलब है यार, वैलेंटाइन डे का दिन तो चला गया। ये सोचते ना कि बाहर पानी पूरी ना खिलानी पड़ जाए तो बाहर खाना ना खिलाना पड़ जाए, कहते यहाँ का ऐसा मॉल नहीं है कि बाहर जा जाके खाओ, जो है घर पे मंगा लो। अरे घर पे अभी मजा नहीं आता ही है, जब तक पानी वाले के वो बताशे वाले के हाथ से बताशे ना खाओ मेरे तो दिल को तस्कीन नहीं होती है। यहाँ आते तो उसका टैस्ट ही बदल जाता है, जो वहाँ खिलाता है और घर पे लाके खाओ बिल्कुल फर्क पड़ जाता है मजे में। हाँ तो कहते नहीं। हाँ देखो आऊंगी किसी दिन, मैं गए मैं, तुम जरा सब पाए बना के भेज दो, अब सीजन जा रहा है ना, पाए बना दो और सेला चावल भेज देना बिरयानी वाला 5 किलो, और थोड़ी सी गजक, थोड़ा सा हलवा सोन। हाँ और क्या भेजोगी, और तुम अपने हिसाब से देख ले। हाँ भाई इतना भेज देना, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे ससुराल का बोझ मेरे मेके पे पड़े, लेकिन क्या करूँ मम्मी इससे बात बन जाती है ससुराल में। नहीं आए होंगे बहुत दिन से। हाँ ऐसी तो हो गए हेंगे, मैं कहती हूँ जाओ अम्मी से मिलाओ, मेरा तो तुम्हारी अम्मी की वजह से जाना नहीं होता हैगा, तुम तो मेरी अम्मी के पास हो जाओ, तुम्हारा भी तो कोई उनसे रिश्ता हैगा कि नहीं, पूरे दिन तुम्हारी अम्मी की मैं खिदमत करती हूँ, मेरी अम्मी को मैं तुम जाके नहीं मिल के आ सकते होगे। तो कहते ही क्या, अरे चला जाम्मा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सुनते कुछ नहीं हैंगे, अपने मन की चलाते। हाँ जा रही हूँ स्टू बनाने, अरे बड़ी देर हो जाती है जब ये लेके आते हैंगे, तो मैंने कहा दुकान के लड़के से भेज दो। और सब ठीक है, मैं भी काम ना सब दुखड़ा लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन किससे कहूँ, कौन है मेरी सुनने वाला। बबली है वो शक्ता इतनी तेज हैगी, सास हमारी वैसी कोई मेरी बात नहीं सुनती हैगी, तो किससे कहूँ अपना हाल है तेरी। अब कुछ से आगा तो मुझे एक फोन नहीं आता है अगर कभी जो भूले भटके भी आ जाए, क्या मम्मी नंद को पूछ ले, और नंदी कितनी तेज होती हैंगी, फौरन ये ऐसे लगा देती हैं कि तुम्हारी बीवी भी तो हमें फोन ही नहीं करती हैगी। हाँ मैं अम्मी नेक हूँ ना, मैं इस सब में पढ़ती नहीं हूँ, मैं बीवी का झगड़ा कर रहा हूँ मैं, लेकिन आदमी को खुद एहसास होना चाहिए। मीनवाइल नुकसान अलग हो गया है, मैंने सोचा था पॉलर से तैयार होंगी, तो उसने मुझसे किया बुकिंग के लिए भैया एडवांस दे जाओ, मैंने कितना एडवांस, तो बोली मिनिमम 500। मैंने कहा 500 तो मैं नहीं दे रही होंगी, 100 रुपये। फिर मैंने उससे पक्का करने को बात करी, बोली ना 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 100 बहुत कम है, 200 दे के जाओ। और मैं ये पूछना भूल गई कि अगर ऐसी बुकिंग कैंसिल हो गई तो मेरे पैसे लौटा दोगी कि नहीं। अब मैंने उसको फ़ोन किया तो कह रही है वो बुकिंग अमाउंट वापस नहीं होता हैगा। शैम्पू से मैंने सोचा था हेयर वॉश कराऊंगी, फिर अच्छे से मेकअप कराऊंगी, वो इतने लंबे लंबे आंखों पे सुरमे के डोरे खिंचवाऊंगी। हाँ विंग विंग लेनर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो कराऊंगी, लेकिन इनके जाने की वजह सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब वो इतनी कनीनी है कि पैसे लौटाने को राजी नहीं हो रही है। मैंने कहा तू अभी समझी नहीं है, तू किसके पैसे रखे हुए, वही आके बेइज्जती करूंगी तेरी। अब जाऊंगी बाजार जिस दिन, उस दिन अपने 200 रुपये लेके आऊंगी। मुझे बना रही हैगी कि मैंने किसी की बुकिंग नहीं ली उसके उस दिन की, कि तुम आओगी तो शिलोट खाली रहे, कोई और कभी ले लूंगी तो तुम्हारा मेकअप कैसे करूंगी। कोई अब उसी दिन साड़ी आनी थी जिस दिन के लिए मैंने बुक किया है। जाऊंगी ऐसे थोड़ी, हराम की रकम थोड़ी आ रही हैगी, मेरे मियाँ बड़ी मेहनत करते हैंगे, तब इतने पैसे लेके आते। जाके सब बात करूंगी, तुम फिकर मत करो, मेरे पैसे कोई नहीं खा पाता है, हजम ही नहीं होंगे। वही तो कभी कभी आप जल
जल्दबाजी में गलती कर देते होगे ना, तुम्हें ये पूछना भूल गई के वापसी का। हाँ मेरी भी गलती हैगी और उसकी भी हैगी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया, दोनों की हैगी। ज्यादा 3-5 करेगी तो कहूंगी चल आधे लौटाओ सोई दो, हाँ समोसे आ जाएंगी और रिक्शा का आने जाने का हो जाएगा। ऐसे नहीं जाऊंगी कि खाली 200 रुपए लेने जाऊं, जब कोई काम पड़ेगा तो जाऊंगी। हाँ नहीं अम्मी, तुमने अपनी लूंडिया बहुत तेज उठाई, तुम ये सब फिकर मत करा करो। हाँ कि कोई काम नहीं होगा, तू जाएगी तो ये पैसे लग जाएंगे, बहुत समझदार हूँगी मैं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता ये बात। A few moments later. चलो ठीक है, अब मैं रख रही हूँगी। ठीक है अम्मी, ठीक है।